और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज का हमारा टेली में टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकम और एक्सपेंसेस, लाभ और हानि दोनों का हमें क्या होता है पता लगता है कि इनकम। अब जैसे हमने कोई सामान खरीद लिया, हमने वो सामान खरीदा है, फैन ही लगा लो, हमने कोई फैन खरीदा है, वो हमने 500 का खरीदा है, 500 रुपए का, 500 रुपए का तो हमने खरीद लिया। अब हमने उसको सेल कर दिया 700 रुपए में, तो 200 रुपए हमारे क्या हुए, प्रॉफिट। ठीक है, और हानि क्या होती है, देखो इधर, प्रॉफिट किसी भी वस्तु का मूल्य, ओरिजिनल मूल्य क्या है, 500 में हमने उसको खरीद लिया और 700 में हमने क्या किया, उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो 200 रुपए में क्या है, प्रॉफिट होगा, ये होता है प्रॉफिट। और लॉस का देखो, लॉस में क्या होता है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य क्या है, ज्यादा हो और हमने उस वस्तु को, जो हमारा फैन है फॉर एग्जाम्पल, हमने फैन ले रखा है, हमने क्या है उसको 500 में खरीदा है और हमने क्या है उसको 400 में सेल कर दिया, तो 400 में जो हमने सेल किया है उससे क्या हुआ, 100 रुपए का हमें नुकसान हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। अब देखो इसकी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले हम क्या है, कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएशन करने के बाद F11 F1 प्रेस किया तो क्या है, अकाउंटिंग फीचर ओपन हो जाएगा। कौन सा फीचर ओपन हो जाएगा, अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर ओपन करने के बाद में कौन सा ऑप्शन यस करना है, इनकम एक्सपेंसेज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से ऑप्शन को यस करना है, इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल प्लस ए से हमने क्या किया, उसको सेव किया फीचर्स को। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली के बाद VF9 से कौन सा वाउचर ओपन होगा, परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F9। वी किसके, अकाउंटिंग वाउचर। रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम, अब हमें क्या है पार्टी तैयार करनी है, पार्टी अकाउंट नेम ऑल्ट प्लस सी, पार्टी का नेम डाल दिया हमने यहाँ पे। अंडर सेंड्री क्रेडिटर सेंड्री क्रेडिटर के बाद हम करेंगे सेव। सेव किया, सप्लायर डिटेल यहाँ पे क्या है, सप्लायर की डिटेल शो हो जाएगी, एड्रेस, सेल टैक्स नंबर, उसके बाद सेव। अब हमें क्या करना है, परचेज का लेजर क्रिएशन करना है, ऑल्ट प्लस सी, नेम में PRC, अंडर परचेज अकाउंट, क्या डाल दिया हमने, नेम में PRC, अंडर परचेज अकाउंट। इसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल ए से सेव किया। अब आइटम, नेम ऑफ आइटम, ऑल्ट प्लस सी, ऑर्डर सी करके हमने क्या किया, आइटम को क्रिएशन किया है, आइटम क्रिएट किया, आइटम का नेम डाल दिया हमने सीमेंट, यूनिट और प्लस सी, सिंबल BG, सिंबल हमने क्या डाल दिया, BG बैग। इसके बाद हम करेंगे सेव, फिर इसको दोबारा से सेव करेंगे। क्वांटिटी, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी 20 और रेट डाल दिया हमने 900।
ऐसे ही कोई दूसरा आइटम भी है तो एंटर करके हम क्या है दूसरे आइटम की एंट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस से करके हमने दूसरा आइटम बना दिया, दूसरा आइटम हमने डाल दिया सर्ट का। सर्ट किसमें आएगी, क्लॉथ में, अंडर, ऑल्ट प्लस से नेम क्लॉथ। नेम में क्लॉथ डालने के बाद सेव, यूनिट, यूनिट ऑल्ट प्लस से सिंबल पीसीएस, सिंबल पीसीएस, उसके बाद हम करेंगे सेव, सेव, क्वांटिटी रेड, क्वांटिटी रेड डाल दी हमने। क्वांटिटी रेड डालने के बाद सेव। अब ये तो था हमारा परचेज वाउचर की एंट्री। अभी देखो, जब हमने कोई भी माल खरीदते हैं, अब हमने क्या परचेज में क्या किया, हम माल को खरीदा है। जब हम किसी भी माल को खरीदते हैं तो उसके हमें क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। तो अब हम कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है, F5। अभी देखो F5 तो हमने प्रेस किया, F5 प्रेस करते के साथ क्या है, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। इसमें देखो सबसे पहले क्या ऑप्शन आ गया, अकाउंट। अब जो आपने पेमेंट की है वो अकाउंट से की है या फिर कैश पेमेंट की है, मतलब बैंक से पेमेंट की है या फिर कैश की है। अगर बैंक से पेमेंट की है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक का लेजर क्रिएशन करना पड़ेगा। F11 प्रेस करो, सॉरी F12 प्रेस करो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। यस, हमें क्या करना है, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा को यस करना है। ये देखो इससे यस और नो से क्या होगा, अब तो यस है तो ऊपर अकाउंट का ऑप्शन आया हुआ है, और जैसे ही हमने इसको नो कर दिया ना, नो करने के बाद सेव करो, तो देखो जो अकाउंट का ऑप्शन टॉप में था क्या है, पर्टिकुलर में ही हमें एंट्री करनी पड़ेगी। जो पेमेंट का पेमेंट वाउचर होता है और रिसिप्ट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, दोनों में क्या है, एक एंट्री बैंक या कैश की करनी जरूरी होती है। एक एंट्री हम डेबिट क्रेडिट कोई भी कर सकते हैं, बट एक एंट्री क्या होती है, बैंक और बैंक की या फिर कैश की करनी जरूरी होती है। ठीक है, अब हमने क्या बनाया था, माल को खरीदा है, दोबारा से बताइए मैडम जी। बाय में हमने क्या सिलेक्ट किया, राम। अब जो इधर करंट बैलेंस आया हुआ है वो बैलेंस हमें क्या है, यहाँ पे डालना है। बैलेंस हमने डाल दिया, बैलेंस डालने के बाद एंटर। देखो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, टाइप ऑफ रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर प्रेस करो, सेव। टू, टू में हमें क्या रखना पड़ेगा, अब बैंक या कैश, कैश पेमेंट की है तो यहाँ पे कैश डाल दो। देखो एक तो कैश का लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस, दो लेजर इसके अंदर पहले से क्रिएट होते हैं, उनको हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से इसके अंदर बने होते हैं टैली में। ठीक है, कौन कौन सा है, एक तो बैंक, ये प्रॉफिट एंड लॉस का और दूसरा कैश का, दो इसके अंदर पहले से बने होते हैं जिनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया कैश, कि हमने कैश पेमेंट की है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल ए से करेंगे इसको सेव। कंट्रोल ए से सेव किया, F8। F8 कौन सा वाउचर होता है, सेल्स वाउचर। अपनी भी आवाज आ मैडम, सेल्स वाउचर, रेफरेंस नंबर डाल दिया हमने, पार्टी अकाउंट नेम। अब देखो क्रेडिट की तो हमने पहले तैयार कर दी थी परचेज में, अब हमें कौन सी तैयार करनी है, पार्टी डेबिट, पार्टी अकाउंट नेम, ऑल्ट प्लस सी,
नेम डाल दिया हमने अंडर सेंड्री डेटर। सेंड्री डेटर के बाद हम करेंगे सेव। सेव अब हमें क्या करना है, सेल्स का लेजर क्रिएशन करना है। सेल्स लेजर ऑल्ट प्लस सी, क्या किया हमने, सेल्स लेजर ऑल्ट प्लस सी। अब हमने क्या किया, सेल का लेजर क्रिएट कर दिया। नेम में SLS अंडर सेल अकाउंट। इसके बाद हम करेंगे सेव। आइटम, आइटम क्या था, सीमेंट। क्वांटिटी कितनी डाली थी हमने, 10, और रेट डाल दिया हमने इसका 900। इसके बाद दूसरा आइटम क्या था, शर्ट। क्वांटिटी डाल दी हमने 20, और रेट डाल दिया इसका 1000। ये हमने एंट्री की। ये एंट्री करने के बाद, आइटम इंसर्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ए से हम करेंगे सेव। अब देखो, जब हमने माल खरीदा तब कौन से वाउचर की एंट्री की थी, पेमेंट वाउचर की। अब हमने क्या किया है, माल को सेल किया है, तो सेल करने के बाद क्या होता है, रिसिप्ट देनी होती है, तो उसकी कौन से वाउचर में एंट्री होगी, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, F6। क्या होती है, F6, F6 रिसिप्ट वाउचर। रेफरेंस के बाद अभी देखो, अब हमें कौन से वाले में एंट्री करनी है, इसमें तो हमने पहले भी करके देखी है पेमेंट वाउचर में। अब अगर हम इसको यस करें तो यस करने के बाद कैसे एंट्री होगी, जो हमने F12 की प्रेस की थी ना और इसको नो सेट किया था ऑप्शन को, इसके जगह पे हमने यस ही कर दिया कि वापस यस हो जाए। सेव किया तो अब देखो टॉप में क्या आ गया, अकाउंट आ। अब हमें क्या करना है, बैंक से करनी है पेमेंट, जो हमें प्राप्त करनी है वो बैंक से प्राप्त करनी है। अकाउंट ऑल्ट प्लस सी, नेम में SBI अंडर बैंक अकाउंट। नेम में SBI अंडर बैंक अकाउंट। इसके बाद हम करेंगे सेव। सेव किया, सेव करने के बाद डेबिट की एंट्री हमने किस नाम से की थी, MM के नाम से। एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट डाल दिया हमने, अमाउंट डालने के बाद करो एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया, टाइप ऑफ रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर, सेव। चेक नंबर वगैरह यहाँ पे डालना चाहो डाल सकते हो, अदरवाइज कर दो इसको सेव। सेव किया, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या ऑप्शन मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। एंटर करो, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ है, 6000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी देखो ये तो होगी अपनी प्रॉफिट की, ठीक है। अब हम लॉस की एंट्री और करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आओ, कितने का परचेज, कितने की थी, 20 बैग थे अपने, 900 रुपए का एक था, तो जो हमने 900 का खरीदा था ना, हम उसको 700 में सेल करके देखते हैं, फिर देखते हैं लॉस भी आता है ना। तो देखो F8 प्रेस कर दो यहीं पे, रेफरेंस नंबर, डेबिट की, डेबिट को सिलेक्ट किया, सेल, सीमेंट, क्वांटिटी हमने डाल दिया 700। कितने में सेल कर दिया, 700 में। और शर्ट का कितने का था अपना, 10 पीस और 300 के, ये डाल दिया, ठीक है। यहां तक इंसर्ट करने के बाद कंट्रोल ए से इसको सेव करो। गेटवे ऑफ टैली जाओ, F6 रिसिप्ट ऑफ करते किसे, कैश डाल दिया हमने, MM के नाम, कितना था, 10000, अगेंस्ट कैश में, एंटर करो सेव। गेटवे ऑफ टैली जाओ,
इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो इसमें क्या दिखाएगा, डीटी में देखो इसको सेल अकाउंट की एंट्री, तो सेकंड वाली अपने को ये वाली देखनी है ना, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आज जो हमने टॉपिक किया है वो किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया आप दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।